मेरा सपना था, सपना पूरा होने वाला है। सलमान खान सर तो वो तो है ही हीरो, काम करने के लिए कभी नहीं डरते हम। जब हम खेतों में मजदूरी कर सकते, गलत करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, फिर मैं उसको समझा भी दूंगी। अनिल सर से कहेंगे कि आपकी हमने मूवी बहुत देखी है और आपके डायलॉग भी मुझे बहुत याद हैं, और अगर मैं जीतती हूँ आप सबकी जीत है। फ्रेंड, मैं शिवानी कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं बजुका पे। हेलो एंड हाय, दिस इज मी विशाल अंबानी और आप देख रहे हैं बजुका। कहते हैं बिग बॉस का सफर एक अलग होता है, बट बिग बॉस के घर पे जाने का डिसीजन एक बड़ा डिसीजन होता है। और मेरे साथ है शिवानी जी, जो बहुत जल्द बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर के अंदर देखने वाले हैं। सो ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है कि हम बिग बॉस में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ये मेरा सपना था, सपना पूरा होने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। आपके अगर जर्नी की मैं बात करें, मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, काफ़ी लोग प्यार करते हैं आपको, काफ़ी नंबर ऑफ फॉलोअर्स है आपके इंस्टाग्राम में, एंड वीडियोज़ बनाने को आपको पसंद आता है। मुंबई का सफ़र UP से लेके मुंबई तक अब किस तरह से देखते हो ये सफ़र? मुंबई पहले कोई नाम ले रहे थे, मुंबई में रहते हैं तो एकदम सोचते तो मुंबई रहते हैं ये, आज हम मुंबई में बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे। बिग बॉस OTT 3 जब कॉल आया सबसे पहले, सो आपका रिएक्शन क्या था सबसे पहले? सबसे पहले बिग बॉस का कॉल आया तो वो आप अगर आप पूछना चाहो तो वो अभिषेक सर बैठे हैं, उनको बैठा लो, बहुत अच्छा बताएंगे। उनके पास कॉल आया था? हाँ। सो उन्होंने अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा कि कैसे क्या कॉल आया था, आप पूछ सकते हो, मजा आएगा। आप थोड़ा सा डिटेल में बता दो, उन्होंने आपको क्या कहा कि इस तरह से कॉल आया, रियलिटी शो है, आपको जाना है? नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि शिवानी तुम्हारी बिग बॉस के साथ मीटिंग है। राइट। मैंने कहा, मुझे लगा कि नहीं कोई मीटिंग नहीं, मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने टाइम भी दिया था कि 12:30 बजे तुमको तैयार रहना है, तुम्हारा ऑडिशन है। राइट। तो मैं तैयार होके बैठ गई सुबह 12:30 बजे के टाइम, तो ऑडिशन हुआ मेरा। हुआ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। फिर फोन आया 2 दिन बाद कि सिलेक्शन हो गया। ओके। तो फिर झूम के हम पूरे घर में घूम रहे थे, मेरी दीदी की लड़की उसको गोद में उठा के पूरे घूम रहे थे, हम बिग बॉस में जा रहे हैं, वो बहुत मजा आ रहा था। अभी जब आप मुंबई आए, जब आपको पता चल गया कुछ ही समय में मैं बिग बॉस के घर पे आ गया, अब इंटरव्यूज हो गए, सो जब सबसे पहले मुंबई में कदम रखा आपके मन में क्या था? मुंबई आ गए बिग बॉस के लिए, अब बिग बॉस जीत के ही जाना है इनके यहाँ से। राइट। और हम सभी को पता है, नॉर्थ साइड हो या फिर पूरा इंडिया हो, सलमान सर के फैन तो सभी है, बट इस बार अनिल सर होस्ट कर रहे, सलमान सर होस्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप नर्वस थे, आपको बुरा लगा या फिर ऐसा लगा यार अनिल सर है कुछ? हमारे लिए तो देखो सलमान खान सर तो वो तो है ही हीरो, नो डाउट, लेकिन वो भी तो उनकी भी हमने पिक्चर देखी है, वो भी झक्कास इंसान है। राइट। सो उनसे पहली मुलाकात किस तरह से होगी, क्या क्या प्रिपरेशन है? अब जब पहली बार स्टेज पे जाओगे, अनिल सर आपका नाम बुलाएंगे, फिर आप स्टेज पे जाओगे, फिर आप घर के अंदर जाओगे, सो वो जो सर्कल है वो आपके मन में कैसा है, क्या प्रिपरेशन की आपने उसके लिए? ये लगता है कि होता है जिनको हम TV पे देखते थे वो मेरे सामने आएंगे, मेरा नाम लेंगे, ये अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। राइट। और इसके अलावा क्या तैयारी हुई है, क्योंकि अब बिग बॉस के घर के अंदर जाना एक अपने में ही सबसे बड़ा टास्क होता है, वो वहाँ पे आपको काम भी करना होगा, बर्तन हो, वॉशरूम्स हो, हॉल रूम हो, बहुत सारे टास्क भी हो गए, और काम करना, सबको काम करना पसंद है कि किस तरह से प्रिपरेशन है उस चीज़ के लिए? काम करने के लिए कभी नहीं डरते हम, जब हम खेतों में मजदूरी कर सकते हैं 8 घंटे लग के धूप में, तो वो तो काम मेरे लिए तो बहुत छोटा ही होगा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने कितना काम होगा बताओ। इसके अलावा कोई नाम आपने रिसर्च किया कि कौन कौन जाने वाला है, कोई ऐसा थिंकिंग, कोई ऐसा दोस्त आपका या फिर पूरा घर ही एक नए मेंबर से भरेगा? मुझे कोई भी पता नहीं कि वहाँ कौन कौन आने वाले हैं, लेकिन जो भी आएंगे उनसे मैं फ्रेंडशिप बनाऊंगी, अच्छी दोस्ती करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, सबसे अच्छे से मिलूंगी, मेरा तो यही मेन मकसद है। बिग बॉस का घर ऐसा घर होता है कि जहाँ पे हम लोग बनाते अच्छे, जो जहाँ पीछे से भी कोई बात करते हैं अक्सर हम फंस जाते हैं, जैसे नॉर्मली मुझे जितना भी आपसे मैं बात किया आप एक साफ दिल के हो,
बट साफ दिल वाले घर पे ज्यादा देर तक टिकते नहीं है ऐसा कहा जाता है। अच्छा। तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? गलत करेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, फिर मैं उसको समझा भी दूंगी क्योंकि कानपुर से हैं, कानपुर से डरते भी नहीं हैं किसी से। क्या बात है। हाँ। इसके अलावा किस कौन सा ऐसी जॉब है, मतलब कौन सा ऐसा काम है जो करना आपको पसंद नहीं है, जैसे खाना बनाना हो गया? मुझे गोबर डालना नहीं पसंद, वहाँ तो डालना गोबर डालना नहीं पड़ेगा। आपने कहा कि मुझे पसंद है, काम नहीं गोबर वहाँ का डालना हो गया तो वही पसंद नहीं है, तो वहाँ करना नहीं पड़ेगा, वालों की सब पसंद है मुझे। ओके। इसके अलावा बिग बॉस में एक रूल रहता है कैप्टेंसी टास्क, जिससे क्या लगता है आपको कौन से वीक में आप खुद को मानते हो यार, पहला वीक, दूसरा वीक या तीसरा वीक, कौन से वीक में ऐसा लगता है कि आपको कैप्टन बनाएगी बिग बॉस के घर का? कैप्टन पता नहीं कब बनने थोड़ा रहेगा ना कि आपके अंदर एक कैप्टन क्वालिटी आपको लगती है कि जो बिग बॉस पहला वीक हमें लगता है कि जाते ही जाते कैप्टन बन जाएंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि वहां 14-15 लोग होंगे, राइट, अब वो सब एकदम बड़ी एक टास्क होता है कैप्टनसी का, तो 14 लोग को किस तरह से आप इम्प्रेस करोगे कि घर का पहला हफ्ते का कैप्टनसी आपको मिले? अब वहाँ तो होता पर बताया जाएगा ना कि तुमको ये करना है ये टास्क, अब पता नहीं क्या बोल दे उसमें, हम ये कोशिश ये रहेगी पूरा करें हम खुद अच्छे से, खुद करो। हाँ। अनिल सर से सबसे पहले क्या कहोगे, कुछ अगर ऐसी चीज जो अगर अनिल सर कुछ पूछते आपको उनके मूवीज के बारे में, क्या या फिर किस तरह से आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे अनिल सर से? अनिल सर से कहेंगे कि आपकी हमने मूवी बहुत देखी है और आपके डायलॉग भी मुझे बहुत याद हैं और बहुत अच्छा लगा, वो एक तरफ पर घर वाली एक तरफ बाल वाली मूवी है, उसमें इतना पागल बनाते हैं वो देख। और कौन सी अच्छी लगी? और त्रिमूर्ति भी अच्छी है, बेटा मूवी, उनके बहुत मूवी। अभी जो हाल ही में आई लास्ट मूवी वो देखी आपने? वो नहीं देखी। एनिमल? एनिमल मैंने नहीं देखी। नहीं देखी, अच्छी मूवी है। क्योंकि घर में मम्मी बीमार रहती हैं और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था, तो वही अभी एडमिट थी तो उस चक्कर में भी बताए थे सर एनिमल मूवी आई है देखो ये वो। फिर ठीक है, फैंस को अगर कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि फैंस आपको अक्सर प्यार करते हैं, आपके जितने भी वीडियोस आए सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में जितने भी वीडियोस आए उसको प्यार करते हैं, बट बिग बॉस के घर पे एक अलग तरीका का प्यार आपको मिलना चाहिए क्योंकि वोटिंग इम्पोर्टेंट है, अगर वोट मिलेगा क्या आपको लगता है कि, क्योंकि इस बार बिग बॉस कैसा है, बिग बॉस टेलीविजन पे नहीं है, OTT पे है, जहाँ पे फोन पे आपको लगता है कि 24 आवर्स आपकी फैन फॉलोइंग 24 आवर्स कंटिन्यू देखेगी? लेकिन गांव में ज्यादा बिग बॉस जानते नहीं है, लेकिन जो भी जानते हैं वोट करना जानते हैं, तो उनसे यही कहना चाहेंगे अगर गांव में पहली बात तो इतना बड़ा मुकाम किसी को मिलता नहीं, मुझे मिला है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जीत के आऊं, वहां से अगर मेरी जीत होती है तो लाखों करोड़ों वो महिलाओं की जीत होगी जहां किसी को कुछ करने नहीं दिया जाता है, उनको पढ़ने तक नहीं दिया जाता, ना ही कुछ भी उनके मन का करने नहीं दिया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर मैं जीतती हूँ तो आप सबकी जीत है, तो ज्यादा से ज्यादा वोट करें और मुझे दिखाने को। क्या क्या ये आपके मन में प्रेशर है, क्योंकि आपने अभी सबसे पहले एक लाइन बोली कि गांव में बिग बॉस के बारे में लोगों को नहीं पता है, हम अगर मुंबई के बारे में बात करें मुंबई के बारे में पता है, उसमें आप नए हो बट गांव में आप फेमस हो, सो वो प्रेशर है आपके मन में एक ऐसा? जब मैं आ रही थी तो ढोल नगाड़े के साथ सब मुझे विदा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम जीत के आना, तुम जंग जीत के आना, ऐसे सब बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये, और मेरे जो मामी है मामा खत्म हो गए हैं तो वो भी कह रही थी कि बस हमारा ये सपना है बिट्टी, तुम एक करके दिखा दो कि तुम जीत के आना, ऐसे बोल रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी जीत के जाना ही है। आप आई होप सो आप जीत के जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा स्ट्रिक भी कंटिन्यू रहे आपके साथ, तो मैं वो स्ट्रिक ब्रेक नहीं करना चाहूंगा, जीत के आओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।